नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पर, इनेबल हो या फ्रेशर, इस सभी स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे कि स्टेटस किस किस स्टूडेंट का चेंज नहीं हो रहा है, कब तक सभी स्टूडेंट का स्टेटस चेंज होना शुरू हो जाएगा, और बात करेंगे जिसका भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है उस सभी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन कब से होना शुरू हो जाएगा। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर नेशनल स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो आते रहता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं जो स्टूडेंट फ्रेशर हो, यानी फ्रेशर स्टूडेंट का बात कर रहे हैं जिसका कि एप्लीकेशन मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्शन हो चुका है और स्टेट या तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी वेरीफाई कर दिया गया, बट अभी तक स्टेटस में कुछ बदलाव नहीं हो रहा था। तो आपको बता दे कि आप बीच में क्या था, इलेक्शन था, इलेक्शन के वजह से स्टेटस चेंज नहीं हो रहा था। बहुत दिन से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि सर मेरा स्टेटस में कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा, बहुत दिन से हमको पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो जिसका भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वेरीफाई कर दिया गया, तो उसको टेंशन नहीं लेना है, उसको 100% है कि उसका पेमेंट मिलेगा। लेकिन पेमेंट मिलेगा, टाइम लगेगा, थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन पेमेंट उस स्टूडेंट को 100% मिलेगा। जिसका कि मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको टेंशन लेने का बात है। जब तक मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपका पेमेंट का कोई चांस ही नहीं है। अगर पेमेंट आएगा, जिस भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नोडल ऑफिसर वेरीफाई कर दिया गया, तो उसका स्टेटस देखो कब से चेंज होगा। आपको बता दें बीच में इलेक्शन के वजह से स्टेटस चेंज नहीं हो रहा था, इलेक्शन भी खत्म हो चुका है, बट अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का चेंज हुआ, बहुत सारा स्टूडेंट का स्टेटस चेंज नहीं हो रहा। तो देखो उस सभी स्टूडेंट को बता दे जिसका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, तो उसको और कुछ दिन वेट कर लीजिए। 15 जून के बाद हो सके, अब सॉरी 15 जून के नहीं 22 जून के बाद हो सके आप सभी स्टूडेंट का स्टेटस चेंज होना शुरू हो जाए। जैसे ही स्टेटस में कुछ बदलाव कुछ बदलता है तो मैं अपना चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। देखो आपको डेली अपना स्टेटस जरूर चेक करते रहिएगा, क्या पता आपका स्टेटस में कुछ बदलाव हो जाए। आप स्टेटस देखते रहिए, आपको पता ही होगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पर स्टेटस किस प्रकार से चेक किया जाता है। यानी आप अपना एप्लीकेशन नेशनल स्कॉलरशिप की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करके आप अपना स्टेटस देख सकते हो कि आपका स्टेटस क्या स्थिति में। देखो जिसका भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, सेंट टू पीएफएस नहीं हुआ अभी तक, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट नोडल ऑफिसर भी वेरीफाई कर दिया गया, बट अभी तक सेंट टू पीएफएस नहीं हुआ, तो देखो उसको देखो क्या होता है आगे का प्रोसेस, उसका क्या जाएगा, उसका सेंट टू पीएफएस होगा। जब तक सेंट टू पीएफएस नहीं होगा तब तक उसका टोकन नंबर जारी भी नहीं होगा, टोकन नंबर जारी होगा तभी उसका अकाउंट में आपका पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको और एक बात बता दे, सेंट टू पीएफएस होने से पहले आपका बैंक अकाउंट को जांचा जाता है, आपका बैंक अकाउंट में देखा जाता है कि यह बैंक अकाउंट आधार से सीडेड है कि नहीं है, आधार से लिंक है कि नहीं है, सब चीज देखने के बाद ही सेंट टू पीएफएस करता है। और आपको जरूरी आपका जानकारी के लिए बता दे, जिस भी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है वह स्टूडेंट अपना बैंक अकाउंट आधार से सीडेड जरूर करवाए। अगर बैंक से आधार सीडेड नहीं करवाते हो तो आपका अकाउंट में आपका पेमेंट क्रेडिट नहीं किया जाएगा, जब तक आपका बैंक अकाउंट आधार से सीडेड नहीं होगा। देखो आधार सीडेड अलग है और आधार लिंकेड अलग है। तो आधार लिंकेड देखो, मान लो आपके पास 5-6 अकाउंट है तो आप 5-6 अकाउंट में आधार लिंकेड कर सकते हो, बट आपको एक ही अकाउंट में आधार सीडेड करवा सकते हो। जैसे कि आपका 5 अकाउंट में है तो, लेकिन 5 में आधार सीडेड नहीं होगा, जिसमें आपका आधार सीडेड होगा उसी अकाउंट में आपका पेमेंट क्रेडिट किया जाएगा। अगर आपका आधार सीडेड नहीं है तो आपका बैंक जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां का मैनेजर से मिलकर आप अपना वहां बैंक जाके अपना आधार सीडेड करवा लो। आधार सीडेड कराने के बाद ही आपका स्टेटस में बदलाव होगा। जब तक आधार सीडेड नहीं करवाते तब तक स्टेटस में कुछ बदलाव नहीं। अगर आपका आधार सीडेड सब चीज सही है तो आप लोग वेट कर लीजिए और कुछ दिन आपका धीरे धीरे हो सके आप सभी स्टूडेंट का स्टेटस में बदलाव, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का धीरे धीरे करके स्टेटस में बदलाव हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का जिसका सेंट टू पीएफएस नहीं हुआ था उसका सेंट टू पीएफएस हो गया, सेंट टू पीएफएस हो चुका था उसका भी टोकन नंबर जारी कर दिया। और बात करते हैं जिस भी स्टूडेंट का, तो आप लोग देखिए जिस भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको देखो, जैसे कि जिसका बता दें आपको छोटा छोटा अमाउंट को जिसका रहता है 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, उस सभी स्टूडेंट का ही मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो रहा है। बड़ा बड़ा अमाउंट का जिसका 75,000, 1,00,000, 1,25,000, मतलब जिसका ज्यादा अमाउंट है उसका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होना में टाइम लगता है, उस सबका देखो अच्छी तरह से एप्लीकेशन को जांचा जाता है, देखा जाता है कि एप्लीकेशन में कुछ तो गलत नहीं हो गया, मतलब एप्लीकेशन फेक है क्या रियल है, सब चीज देखने के बाद ही मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन लेता है। मेरिट लिस्ट में यस, मेरिट के सामने के बहुत सारे स्टूडेंट का ब्लैंक शो करता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब कुछ ही शो नहीं कर रहा होगा, नो लिखा हुआ रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का यस हो गया, जिसका यस हुआ समझ जाइए उसका सिलेक्शन हो चुका है, जिसका नो है तो उसका नो ही कुछ दिन के बाद उसका भी सिलेक्शन होगा, जिसका ब्लैंक शो कर रहा तो उसको देखो उसको भी टेंशन नहीं लेना, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस में चले गया, उसको भी जांचा जाएगा, जांचने के बाद देखा जाएगा ये स्टूडेंट मेरिट लिस्ट के लायक है कि नहीं है, तब सब देखने के बाद तब मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो हो सके आप लोग का 22 जून के बाद मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होना शुरू हो जाए, आप लोग का स्टेटस चेंज होना भी शुरू हो जाए। चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।